किड्स वर्ल्ड, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ यूकेजी डेली प्रैक्टिस वर्कशीट। ये वर्कशीट अगर आप अपने बच्चों को देंगे और अगर डेली प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत ईजी रहता है और बच्चों को भी जल्दी याद रह जाते हैं। स्कूल में तो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, अगर आप घर पर ऐसे वर्कशीट प्रैक्टिस करवाएंगे आपके बच्चों के लिए तो बहुत ईजी रहेगा और बच्चे भी जल्दी सीख जाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नई हैं मेरे इस चैनल में, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, राइट फ्रॉम ए टू जेड। तो बच्चों को आप ए टू जेड लिखने के लिए रोज प्रैक्टिस के लिए दीजिए। तो पहले कौन सा देना है, जैसे कैपिटल लेटर्स, दूसरे में कौन सा देना है, ए टू जेड स्मॉल लेटर। तो दोनों प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी दे सकते हैं। स्टे मैच द सेम वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, इस तरह जिस जो वर्ड मैंने लिखी हूँ तो सेम इस तरह भी है, तो उन लोगों को सेम देख के खुद पढ़ के मैच करना है। जैसे कैसे पढ़ना है, जैसे क एट कैट, सो कहाँ पे कैट है, यहाँ पे। सो आप क्या करना है, ऐसे मैच करना है कैट। र एंड रेड, सो रेड रेड, सो मैच करना है रेड। ट एंड टैन, सो टैन इज हियर, सो मैच विथ टैन। फ एंड फैन, फैन फैन। डॉग ड ऑग डॉग डॉग, सो बच्चों को बोलिए ऐसे पढ़ने के लिए, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करने के लिए बोलिए विथ फोनिक्स क एट कैट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट कॉलम। सो क्या है, यहाँ पे उनको ए और एंड, कौन से में ए और कौन से में एंड लिखना है और यूज़ करना है, तो उनको यहाँ से देख के यहाँ पे लिखना है। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन में क्या होगा, एंड एरोप्लेन, सो एरोप्लेन वहाँ पे कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है एंड एरोप्लेन। डॉग, डॉग क्या है, डॉग सिर्फ डॉग कहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट, डी इज कॉन्सोनेंट, सो को कहाँ से कहाँ पे लिखना है, ए डॉग। एंड एप्पल, एंड इंक, अ जग पे मेक थ्री वर्ड्स ऑफ ईच साउंड। यहाँ पे कैसे उनको वर्ड्स करना है, जैसे र ऑड रॉड, र ऑड रॉड, प ऑड पॉड, न ऑड Nod, go, odd, good, god. Next one, same यहाँ पे भी ऐसे उनको करना है, d, og, dog, j, og, jog, f, og, fog, l, og, log. So ऐसे आप दे सकते हैं, बोलिए बच्चों को join करने के लिए। Next one है circle only vowels. यहाँ पे मैंने पूरा अल्फाबेट्स लिखी हूँ, तो उनको यहाँ पे देख के लिखना है कि कौन सी वॉवल्स है। जैसे ए, वॉवल्स हमारे ए ई आई ओ यू, ये पांच हमारी वॉवल्स है, तो बच्चों को यहाँ पे देख के लिखना है वॉवल्स कौन से, ए बी इज कॉन्सोनेंट तो ये नहीं होगा, ए ई आई ओ यू, ऐसे करके देंगे तो बच्चों में बहुत इंटरेस्ट भी होगा और बच्चे देख के लिख भी सकते हैं, उनको ज़्यादा याद भी रह जाता है। नेक्स्ट वन सर्कल ओनली कॉन्सनेंट, कौन जैसे ए ई आई ओ यू, इन्हें छोड़ के बाकी सब कॉन्सनेंट है। नेक्स्ट वन है सर्कल द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे मैंने कैसे हुआ, जैसे मैप सैप लैप टैप रैग, सो यहाँ से अलग कौन सा ऑड कौन सा है, रैग है, सो यहाँ पे सर्कल रैग। नेक्स्ट वन इज बॉल टॉल फॉल हे सेट, तो यहाँ पे दोनों अलग है, कौन सा हे और सेट, सो यू हैव टू सर्कल हे और सेकेंड वन इज ए सेट। नेक्स्ट वन हॉट नॉट बर्न कॉट लॉट, सो विच वन इज अ डिफरेंट वन, इट्स ए बर्न, सो आप बच्चों को बोलिए ये बर्न इज अ डिफरेंट वन, सो ये ऑड वन आउट। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एंड, सो यहाँ पे कौन सी जगह पे ए होगा, कौन सी जगह पे एंड होगा, जैसे डैश सनफ्लावर, सो ए सनफ्लावर, बिकॉज सन एस स्टार्ट हो रहा है, सन स्टार्ट हो रहा है विथ एस और एस ए कंसोनेंट। डैश अम्ब्रेला, एंड अम्ब्रेला बिकॉज यू इज वॉवल, सो वॉवल में हम यूज करते हैं एंड। डैश चेयर ए चेयर, डैश लेग ए लेग, डैश hat
a hat, dash object and object. फिर सर्कल द ऑड वन आउट. सो यहाँ पे भी आप लोग को कौन सा ऑड है बच्चों को बोलना है और उसे सर्कल करना है. जैसे मैट सैट मैन, सो मैन इज ऑड. हैट फैट टेन, टेन इज ऑड. सिट बैट बीट, सो बैट इज डिफरेंट वन. पिग डेन फिग, सो डेन डिफरेंट वन. कप रन पप, सो रन है ऑड वन आउट. नेक्स्ट वन इज मैच द राइमिंग वर्ड्स. सो यहाँ पे उनको राइमिंग वर्ड्स जो होता है एंडिंग साउंड जिसका सेम होता है तो उसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे कौन से राइमिंग वर्ड है? डीप सेफ, सो मैच इट विथ सेफ. पप मैट कैट, पिग फिग. तो आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस मेरी इस चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.